भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लूट, हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, जबकि गृह विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय पैदा हो रहा है। वहीं पूनिया ने कहा कि भीलवाड़ा के जहाजपुर में एसडीएम के ड्राइवर की सरेआम हत्या की गई, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसे में बेखौफ बजरी माफियाओं पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में कोई गृह मंत्रालय है, या जिस तरीके से फहरिस्त तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन कोरोना के दौरान अपराधों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन उसके संगीन होने की संख्या में कमी नहीं आई है। हम पिछले दिनों देखते हैं तो गैंगरेप की अनेक घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की हुई हैं, लेकिन इसके साथ हत्या, लूट और डकैती, और कल ही जो ताज़ा तरीन जो बातें हुई हैं नरेश काशनिया की जयपुर में, राजधानी में और मुख्य सड़क पर जिस तरीके से वारदात हुई है, अब वो जिन भी हालत में, लेकिन वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसी तरीके से सरकार बजरी माफियाओं के चंगुल में किस तरीके से काम करती है, इसका नज़ारा कल जाजपुर के भीलवाड़ा में देखने को मिला है, कि जहाँ एसडीएम के ड्राइवर को कुचल के संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ये सामान्य वारदात नहीं है।